मैं रामपाल मीणा, सहाचार्य इतिहास, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। क्लास BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड। पेपर का नाम आधुनिक विश्व का इतिहास। आज का मेरा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष या क्रांति के परिणाम। 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। संधि के तहत इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को मान्यता प्रदान कर दी। इन 13 अमेरिकी बस्तियों को नए राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नाम से जाना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अलगानी पहाड़ों और मिसिसिपी नदी के बीच का अंग्रेजी क्षेत्र भी सौंप दिए गए तथा नए अमेरिकी राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ तय की गई। इस स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिणाम थे। नंबर 1, राजनीतिक परिणाम। अमेरिकी क्रांति के राजनीतिक परिणामों का बीज अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में देखा जा सकता है, जो 4 जुलाई 1776 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक मानव पूर्णतः स्वतंत्र है एवं समान है तथा उसे अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने का अधिकार प्राप्त है। यही घोषणा पत्र 1789 की फ्रांस की क्रांति का आधार बना। 1848 में आयरलैंड और फिनलैंड तथा इटली और जर्मनी आदि देशों में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों में इस घोषणा पत्र की स्पष्ट झलक मिलती है। क्रांति के पश्चात 1789 में अमेरिका में नया संविधान लागू किया गया, जिसमें गणतंत्र की स्थापना की गई तथा संघीय पद्धति स्वीकार की गई, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघीय और राज्य सरकारों के मध्य किया गया। अमेरिकी नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए, जिनमें प्रमुख अधिकार थे भाषण, प्रकाशन यानी प्रेस, और धर्म की स्वतंत्रता, कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार आदि। अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसने लिखित संविधान को लागू किया। अमेरिकी क्रांति से फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरणा मिली तथा ब्रिटेन में भी उदारवादी एवं प्रजातांत्रिक विचारों को अधिक विस्तृत रूप में लागू करने का प्रयास किया गया। आयरलैंड के संसद को 1782 में लगभग स्वतंत्र रूप प्रदान कर दिया गया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसका कार्य भारत सरकार की गतिविधियों का निरीक्षण करना था तथा यह देखना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। संक्षेप में, सभी राज्यों में लोकतंत्रात्मक आधार पर नए संविधानों की रचना, जिनकी विशेषताएं थी मताधिकार में वृद्धि, विधानसभाओं में शक्ति का केंद्रीकरण, वार्षिक चुनाव एवं अधिकारों का बिल, जो स्वतंत्रता और समानता का अधिकार से संबंधित थे, इस बिल के द्वारा सरकारी सत्ता पर अंकुश लगाया गया। इस प्रकार अमेरिकी क्रांति का प्रभाव जो है न केवल अमेरिका तक सीमित रहा, बल्कि इसका विश्व में कई देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नंबर 2, सामाजिक प्रभाव। क्रांति के पश्चात परंपरा, धन और विशेषाधिकारों का महत्व कम हो गया और मानवीय समानता का महत्व अधिक बढ़ा। परंपरागत सांपत्तिक अधिकारों की समाप्ति हुई। टोरियों की विशाल जायदादों का विघटन हुआ तथा एंग्लिकन चर्च के केंद्रों को समाप्त किया गया। 1786 में वर्जीनिया में पहला धार्मिक स्वेच्छा अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को
चर्च जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक व्यक्ति को पूजा एवं आराधना की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। संघीय संविधान में भी संघीय कर्मचारियों के लिए किसी धार्मिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रही। शिक्षा को महत्व दिया गया तथा 1785 ईस्वी के भूमि अध्यादेश के निर्णय के तहत सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को लाखों एकड़ भूमि प्रदान की गई। अनुक्रमबंध एवं ज्येष्ठाधिकार के सामंत सिद्धांत को समाप्त किया गया। ऐसा वर्जीनिया में 1776 में जिसमें अनुक्रमबद्ध को और 1785 ईस्वी में ज्येष्ठाधिकार के सामंत सिद्धांत को, इन दोनों को समाप्त किया गया। क्रांति की लहर ने दास प्रथा की समाप्ति के आंदोलन को भी संबल प्रदान किया। उदाहरण के लिए 1781 में मैसाचुसेट्स में दास प्रथा को समाप्त करने का पहला अधिनियम पास किया गया। नंबर 3, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र में मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर पूंजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया गया। पुरातन सामंती व्यवस्था तथा इससे संबंधित रीति रिवाज की समाप्ति से अमेरिकी उपनिवेशों में पूंजीवाद के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला। क्रांति काल में बड़े बड़े भूमिपति उपनिवेशों को छोड़कर कनाडा आदि देशों में चले गए थे, जिससे उनकी बड़ी बड़ी भू संपदाओं को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इनका वितरण निम्न तथा मध्यम वर्गों के हाथ में किया गया, जिससे कृषि के विकास को प्रोत्साहन मिला। युद्ध काल में आए विदेशियों से भी कृषि सुधारों के संबंध में अमेरिका को जानकारी प्राप्त हुई। कृषि की उपेक्षा उद्योग धंधों पर क्रांति का प्रभाव अधिक पड़ा। अब अमेरिकी उद्योग अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारवादी प्रतिबंधों से मुक्त हो गए तथा युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण उपनिवेशों के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। सूत कातने और वस्त्र बुनने का कार्य प्रत्येक घर में किया जाने लगा। नौ परिवहन उद्योग भी विकसित हुए। अब औपनिवेशिक बंदरगाह संसार के लिए खुल गए। इससे फ्रांस, स्पेन तथा हॉलैंड आदि के साथ अमेरिकी व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इन देशों से विलासिता की वस्तुओं के बदले तंबाकू तथा चावल का निर्यात किया जाता था। व्यक्तिगत नौ परिवहन कंपनियों ने व्यक्तिगत नौ परिवहन व्यवस्था को भी प्रोत्साहित किया। इस प्रकार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संसार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ओके।